हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एडुकेशन में, जहां मैं आज आपके लिए 28/12/2019 के करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, आज का बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने लिया है? ये हरियाणा सरकार ने लिया है। किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। इसका मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। इसके लिए राज्य सरकार ने लोगों से सुधारों के लिए सुझाव मांगे। क्या मांगे हैं? सुधारों के लिए सुझाव। यह घोषणा सुशासन दिवस के अवसर पर, मतलब 25 दिसंबर के दिन यह घोषणा आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत में किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय की शुरुआत की जा रही है? तो किस राज्य में की जा रही है? ट्रांसजेंडर मतलब क्या होता है? किन्नर। ट्रांसजेंडर मतलब क्या होता है? किन्नर, किन्नरों के लिए। तो किस राज्य में की जा रही है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। भारत में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो रही है। कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ हो रही है? कुशीनगर जिले के फाजिल नगर खंड में। कहाँ? फाजिल नगर खंड में। यह देश में इस प्रकार का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ तृतीय लिंग लोगों के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, मतलब किन्नर लोग शिक्षण ग्रहण कर सकेंगे। यह विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया? अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा ट्रस्ट ने। किसने? अखिल भारतीय शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काउंसलिंग अमेरिका कंपनी प्रोजेक्ट कुइपर पर कार्य कर रही है, जिसके तहत अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। तो वो कौन सी कंपनी कर रही है? अमेजॉन। कौन सी? अमेजॉन। तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेजॉन अंतरिक्ष में 3000 से अधिक, कितने? 3000 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इससे लोगों को क्या सस्ती होगी? इंटरनेट सस्ती होगी। और यह सैटेलाइट पृथ्वी के निम्न कक्ष में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? निम्न कक्ष में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में ज्योति राव फूले किसान ऋण माफी योजना की मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? महाराष्ट्र ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को अभिनंदन योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिनंदन योजना शुरू की है? असम के। कहाँ के? असम के। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने 10 सालों में विदेशियों का पहला निष्पादन किया? तो किस देश ने किया? जापान ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। DRI की सेवा को चिन्हित करने के लिए डाक टिकट किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। किसने? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। चलिए दोस्तों, आपको ये हमारा करंट अफेयर्स का सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।